है फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन लाइफ रन्स ऑन व्हील्स। और मैं आशीष आप सभी का करता हूँ फिर से एक बार जोरदार स्वागत। बारिश बारिश बारिश, इस बारिश ने तो पूरा का पूरा हमें परेशान करके रख दिया है। ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, पूरी तबाही मचाई है इस बारिश ने। लेकिन आज बहुत दिनों बाद हम घर से बाहर निकले हैं हमारे पुराने वाले स्पॉट पे। तो चलिए कुछ बातें करते हैं अपने बारे में, आपके बारे में। आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो काफ़ी खास है। आपको आज हम कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अभी हमारी नई बाइक ली है, हीरो एक्सपल्स 200T, और उसके पासिंग के वक्त हमें एक नई जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में ये नया रूल बना है कि अगर आप कोई टू व्हीलर खरीदते हो और उसे अगर आपको पासिंग करानी है तो उस नए रूल के हिसाब से अब आपको 2 हेलमेट परचेस करना कंपलसरी है। और वो 2 हेलमेट आप ऐसे ही कहीं से नहीं खरीद सकते, रास्ते से उठा कर जाएगा ऐसे। आपके पास उन 2 हेलमेट का GST पेड किया हुआ बिल भी होना ज़रूरी है। तो 2 हेलमेट खरीदो और साथ ही साथ उसका परचेसिंग का जो GST पेड बिल है वो RTO ऑफिस को चाहिए, तभी आपको गाड़ी जो आपकी है वो पासिंग करके मिलेगी। तो इस रूल के हिसाब से हम तो पूरे फंस गए। तो आपको पता है हम तो बस हर दिन बाइक चलाते हैं लगभग 100 किलोमीटर, तो उसके लिए हमें हेलमेट कंपलसरी रहता ही है। हम चलाते हैं, हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक बढ़िया सा हेलमेट भी है वेगा का, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का, लेकिन अब बिल कहाँ से उसका लाएंगे? तो कोई चारा नहीं था तो हमने भी खरीद ली शोरूम से 2 हेलमेट्स, और 2-2, 6-6 सौ रुपये के आसपास के 2 हेलमेट। GST का बिल दिया तभी हमारी बाइक पासिंग हुई। तो ये जो है ये नया रूल महाराष्ट्र में अभी आया है, और मुझे काफ़ी ये रूल ठीक है, हेलमेट पहनना ज़रूरत है हमारी सेफ्टी की। मैं मानता हूँ कि हेलमेट ज़रूरी है बाइक राइडिंग करते वक्त, हेलमेट पहनना हमारे लिए हमारे अपनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसके लिए आपने जो रूल बनाया, जो आपने कंपनसेशन की, वो काफ़ी अजीब। तो इसके हिसाब से आपके लिए ये थम्स डाउन है स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए कि वो खुद से हेलमेट खरीदे। आप ऐसे किसी जो बंदूक का नली तान कर आप कह रहे कि दो लो तभी गाड़ी पासिंग होगी, तो ये थोड़ा गलत लगा मुझे। आप फ्रेंड्स, मुझे तो काफ़ी अजीब लगा ये रूल, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पीछे। अब वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, हमें मोटिवेशन दोनों मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।